अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल रोज़ जैसपंती पर। कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, बहुत सोचते हैं कि गुस्सा ना करें, पर फिर भी फेल हो जाते हैं। कसमें भी खाते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, पर फिर भी गुस्सा आ ही जाता है। गुस्सा हमारे प्यारे से प्यारे रिश्ते को भी ख़त्म कर देता है। कई लोगों की तो आदत सी बन जाती है गुस्सा करना, हर समय वो गुस्सा दिमाग में लेकर चलते हैं। अगर इंसान गुस्से को अपनी आदत बना ले तो वो चाहकर भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाएगा। क्या लगता है आपको, गुस्सा करने वाला इंसान सुकून में रहता है? क्या गुस्सा करने से मन को शांति मिलती है? आप अलाउ करोगे किसी को अपने ऊपर गुस्सा करने? आपको कैसे भी ट्रीट करें, कुछ भी कह दे, कोई भी इंसान किसी का भी गुस्सा अपने ऊपर सह नहीं सकता। तो फिर क्यों हमारा गुस्सा कोई और पसंद करे, क्यों अपनाएगा हमारा गुस्सा कोई और? तो क्या करें जिससे हम अपने गुस्से को काबू कर पाए? अब ये तो कोई बीमारी नहीं कि टैबलेट ली और ख़त्म हो गई। देखिए, गुस्सा होना, हंसना, दुखी होना या रोना, ये सब इमोशंस हैं जो कि हमें खुदा से मिलती हैं। इन सब चीज़ों का नेचुरली होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर इन नेचुरल चीज़ों में ठहराव हो या इनका आने का समय बहुत शॉर्ट हो, जैसे कि आपको गुस्सा बार बार आता हो, आप गुस्से में किसी का या अपना नुकसान कर रहे हों, गुस्से की वजह से आपके अच्छे चीज़ बिगड़ रहे हों, तब इसको ठीक करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये गुस्सा कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये आता है फिर वापस भी जाता है। बस ये थोड़ी देर आपको कंट्रोल करना है, आपको धैर्य रखना है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। कई लोग कहते हैं कि हम गुस्सा नहीं करते, लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। आप क्या कोई टीवी चैनल हो कि रिमोट उठाया, कोई भी चैनल लगाया और आपने प्रोग्राम देना शुरू कर दिया? कितना आसान हो गया है ना किसी को भी गुस्सा दिलाना, किसी को भी अपनी बात मनवाना। और बजाय अगर हम किसी को खुशी देने गए तो बहुत ही मुश्किल चीज लगती है। कई लोग कहते हैं कि गुस्सा भी कोई कंट्रोल करने की चीज है, गुस्सा थोड़ी रुकता है, जब गुस्सा आता है तो आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देता कौन छोटा कौन बड़ा, आपको सब दिखाई देता है। आप हमेशा गुस्सा अपने से कमजोर इंसान पर करते हैं जो आपसे छोटा हो। क्या कभी आपने अपने बॉस पर गुस्सा किया है? या कभी आप किसी पहलवान पर गुस्सा कर सकते हो जो आपसे बड़ा हो, जो आपसे बल में बड़ा हो, पद में बड़ा हो? हम हमेशा गुस्सा कमजोर पर ही करते हैं जहां पर हमारी चलती है, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम अपने से किसी बड़े इंसान पर गुस्सा करेंगे तो वहां हमें ही नुकसान होगा। अगर कोई बड़ा हमें कुछ गलत कह रहा हो या किसी की बात हमें सही नहीं लगी हो, जो हमसे बड़ा हो, जो हमसे ज्यादा बड़ा हो, शक्तिशाली हो, हम उस पर गुस्सा नहीं करते, उसकी बात हम सुन लेते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम गुस्सा भी चॉइस से करते हैं, गुस्सा भी हमें चॉइस से आता है। तो कैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते गुस्से को? अगर हम वहाँ गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं अपना फ़ायदा देखकर, तो अगर कोई छोटा या कोई कमज़ोर हो तो वहाँ पर भी तो गुस्सा कर सकते हैं ना कंट्रोल। जब गुस्सा हमारी चॉइस है तो उसको ख़त्म करना भी हमारी चॉइस बनना चाहिए। एक बात याद रखिए, जब गुस्सा आए ना तो गुस्से को कहिए कि आज नहीं, गुस्से को कहिए कि आज नहीं, कल, कल हम ज़रूर गुस्सा करेंगे। गुस्से को थोड़ी देर शांत रखिए, बस थोड़ी देर संयम रखिए। थोड़ी देर अगर आप शांत रहोगे ना और अपने गुस्से को होल्ड करके रखोगे कल के लिए, तो वो कल कभी नहीं आएगा और आप अपनी ज़िंदगी में खुशी से रह पाओगे अपनों के साथ। क्योंकि ये जो गुस्सा होता है ना, हमारे
अपनों को हमसे बहुत दूर ले जाता है। हमारे दिल का प्यार, हमारे दिल की मोहब्बत सब खत्म हो जाती है इस गुस्से की वजह से। गुस्से में हम कभी भी सही डिसीजन नहीं लेते हैं। तो इस गुस्से को बेवकूफ बनाइए और कहिए कि आज नहीं तो कल आना, फिर वो कल कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले और आपके जाने से पहले एक विशेष सूचना कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में। और हाँ, अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक जरूर कर देना, ताकि मेरे वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए क्या, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।